गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में मनी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक लिया था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं मनी में। देखिए, एक एग्जांपल समझिए। सुरेश ब्रॉट अ पेन फॉर ₹15.25। सुरेश ने एक पेन खरीदा तो कॉस्ट ऑफ पेन, तो उस पेन की कीमत कितनी थी? ₹15.25। ठीक है, और टाई, और एक टाई ली तो कॉस्ट ऑफ टाई ₹18.30। ठीक है, अब कॉस्ट एंड आ बुक, एंड आ बुक रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ बुक रुपीज ₹39.95। तो वो बोल रहा है हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल फॉर दिस आइटम्स। इसका मतलब वो टोटल पूछ रहा है कि टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है। तो टोटल कॉस्ट, इन सब की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? इन सबको क्या कर देंगे? एड कर देंगे। तो क्या करेंगे? ₹15.25। फिर देखिए ₹18, इस तरह से लिखेंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट, और इस तरह से लिखना ₹39.95। इन सबको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो 5 में 5 प्लस किया 0, 5 में 5 प्लस किया 10, 1 कैरी, 9, 10, 15, 1 कैरी, 10, 10 प्लस 8, 18, 18 प्लस 5, 23, 2 कैरी, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, और 4 प्लस 3, 7। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल कॉस्ट? कितनी आ गई? 73 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 73 रुपीज 50 पैसे। ये टोटल रुपीज जो खर्च किया था इन सभी आइटम को लेने के लिए। इस तरह से हम इस सम को, मतलब इस तरह से हम एडिशन करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन का पूछा जाए तो हम सब्ट्रैक्शन के तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ इसका ध्यान रखना है पैसे का। कभी भी हमें ये नहीं करना है कि पैसे का रुपीज में प्लस कर दिया या पैसे को रुपीज से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस चीज का ध्यान रखना है बस इसमें। और सेम जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही होता है, सेम जैसे हम प्लस कर, मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, चलिए एक अब एक्सरसाइज ले लेते हैं। ठीक है, पिंकी हैड रुपीज 75.25 इन हर पिगी बैंक। पिंकी के पास उसके पिगी बैंक में क्या है, कितने रुपीज हैं? 75 रुपीज 25 पैसे हैं। हर फादर गेव हिम 205 रुपीज एंड 25 पैसा मोर, मतलब और पैसे उसके क्या हुआ, फादर ने उसको दे दिए कितने? 205 रुपीज एंड 25 पैसा। हाउ मच मनी डज पिंकी हैव नाउ? अब पिंकी के पास कितना पैसा हो गया है? ठीक है ना, कितना पैसा है? तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, पिंकी हैड रुपीज इन हर पिगी बैंक बैंक कितना है? रुपीज 75 रुपीज 75.25 पैसा। ठीक है, ये उसके पास है। ठीक है, अब हर फादर गेव हिम रुपीज 205 एंड 25 पैसा। ठीक है, अब पूछो हाउ मच मनी हैड पिंकी हैव नो, हाउ
हाउ मच मनी डज पिंकी हैव नाउ। अब पिंकी के पास कितना रुपए हो गया होगा, तो क्या करेंगे हम, जब भी हम टोटल पूछते हैं किसी भी चीज का तो हम हमेशा याद रखो उस जगह एडिशन होता है, तो कितना आ गया इसमें, एडिशन हम कर लेंगे इसमें 205 रुपीज़ 205 एंड 25 पैसा। और देखिए आप 75 को देखिए किस तरह से लिखेंगे, इधर नहीं लिख देना और ना ही इधर, पॉइंट का पॉइंट के नंबर के बाद, ठीक है 75 इस तरह से, ये रुपीस में था, ठीक है प्लस कर लीजिए, तो 5 में 5 प्लस किया 10, 1 कैरी, हाँ 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, ठीक है अब 5 में 5 प्लस किया 10, 1 कैरी, 1 में 7 प्लस किया 8, और यहाँ पे सेम वही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये 2, तो उसके पास ये क्या हो गया टोटल रुपी पिंकी हैव, पिंकी हैव नाउ रुपीज 280.50। ठीक है इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ठीक से ऐसे पढ़ना है और क्या पूछ रहा है उसके बारे में फिर उसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, रोहित ब्रॉट अ टॉय 4.89 रुपीज़ 20 पैसा। रोहित ने एक खिलौना खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 85 रुपीज़ 20 पैसा। स्टोरी, एक स्टोरी बुक ली जिसकी कॉस्ट थी 63 रुपीज़ 25 पैसा। हाउ मच मनी मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितना पैसा खर्च किया था, ठीक। तो देखिए कॉस्ट ऑफ टॉय तो रुपीज 89.20 पैसा, कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक तो रुपीज, इसको ठीक से लिख देते, कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक रुपीज 63.25 पैसा। बाद में क्या बोला है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो टोटल इन सभी की कितनी कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, रुपीज़ 89.20 पैसे को ऐड कर देंगे तो हम टोटल कॉस्ट पता कर पाएंगे। 0 में 5 प्लस किया तो 5, 4, 2 का 2 प्लस किया 4 पैसा, 9 में 3 प्लस किया 12, 1 कैरी, 8 में 6 प्लस किया 14 प्लस 15 रुपीस, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बोला ना, ही स्पेंड ₹152.45, ठीक है ये इस तरह से इसका आंसर हो गया, ठीक है ये इसका आंसर। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी आपको जो नहीं है